सो गाइस, अगर अभी भी आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट का टॉपिक क्लियर नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को एंड तक देखना और आपको समझ में आ जाएगा क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। सो आप अपने चारों तरफ देखिए, जो जो आपको चूंकि दिख रहा है वो सब क्लास एंड ऑब्जेक्ट का ही एग्जाम्पल है। लाइक आपके घर के आसपास डॉग्स भी होंगे तो डॉग्स भी क्लास एंड ऑब्जेक्ट का ही एग्जाम्पल है। कैसे? एनिमल जो कि एनिमल एक हमारी क्लास हो गई, डॉग हमारा उसका एक ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसी हर ऑब्जेक्ट की हमारी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। डॉग की क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी? डॉग की अलग अलग बियर्ड्स होती है, सॉरी अलग अलग ब्रीड्स होती है, और डॉग्स के हमारे कलर होंगे, ये सब उसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई। क्लास हमारी एक ही होती है। लाइक अगर हम एनिमल्स मिले, एनिमल्स हमारे एक ही होंगे, लेकिन जो उसके हमारे ऑब्जेक्ट्स होंगे, ऑब्जेक्ट्स अलग अलग होते हैं। और हम कितने भी तरह के ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं एक क्लास के। जब एनिमल्स ले लेते हैं, एनिमल्स के हमारे डॉग हो गए, कैट हो गए, एग्जाम्पल लाए। अगर हम खुद के ऊपर एग्जाम्पल लें, एक ह्यूमन बींग के ऊपर, अगर हम ह्यूमन्स देखते हैं, ह्यूमन्स हमारी क्लास हो गई, लेकिन जो हमारे मैंस, फीमेल्स, ट्रांसजेंडर और अदर्स भी होते हैं, तो उन सबको हम लोग एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। ह्यूमन्स में भी हमारे जो होते हैं मैंस में भी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होगी, उसके कलर्स होके, किसी के हेयर ब्राउन होंगे, किसी की आइज ग्रीन होगी, इस तरह के हमारे क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। एक बार चलते अपनी कोड स्क्रीन की तरफ, एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना के देखते हैं कैसे हम लोग एक क्लास क्रिएट करेंगे, उसके मल्टीपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देखते हैं। तो एक बार चलते अपनी कोड स्क्रीन की तरफ और देखते कैसे क्लास एंड ऑब्जेक्ट वर्क करता है। भाई, जैसे हमने पिछली वीडियो में हमने क्लास क्रिएट करना सीख लिया था, तो हम लोग एक क्लास क्रिएट करते हैं मेन नाम की, मेन, ठीक है, और डेफ इनिट, इनिट में हमने सेल्फ पास कर दिया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, हर एक ऑब्जेक्ट की हमारी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। जैसे मैंने डॉग की ली थी, डॉग की ब्रीड्स होती है अलग अलग, उसके कलर्स होंगे। तो ऐसे ही हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हम लोग सबसे पहले सेल्फ की स्पेलिंग SELF, ओके, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक क्लास बना रहे हैं जिसमें हमारी क्लास स्टूडेंट का डाटा लेगी और स्टूडेंट के डाटा को सबको प्रिंट करके दिखाएगी, और वो जो हमारे उसमें स्टूडेंट का नेम लेगी, रोल नंबर लेगी, मैथ के मार्क्स, फिजिक्स के मार्क्स और केमिस्ट्री के मार्क्स लेके उन सबको 300 से टोटल करके दिखाएगी, उन तीनों को प्लस करके दिखाएगी। सो अब हमें इसमें क्या क्या चाहिए, हमारे एक ऑब्जेक्ट क्या है, हमारे स्टूडेंट, स्टूडेंट की हमारी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होगी, स्टूडेंट नेम हो गया, स्टूडेंट रोल नंबर हो गया, उनके मैथ के मार्क्स, फिजिक्स के मार्क्स, केमिस्ट्री के मार्क्स। सो हम लोग सिंपल सा लिख देते हैं यहाँ पे, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट रोल नंबर, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये हमारा एक कंस्ट्रक्टर होता है, हम कोई प्रॉपर्टी पास करेंगे कंस्ट्रक्टर के थ्रू करेंगे, सेल्फ डॉट स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम, सेल्फ डॉट स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट रोल नंबर, इसको कॉपी कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, ओके, सेल्फ डॉट मैथ इक्वल्स टू मैथ, सेल्फ डॉट फिजिक्स इक्वल्स टू फिजिक्स, सेल्फ डॉट केमिस्ट्री इक्वल्स टू केमिस्ट्री, ओके। सो हमारे कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया, हमारे उसकी प्रॉपर्टी सारी क्रिएट होगी। अब हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं आउटपुट, तो ये आउटपुट फंक्शन क्या करेगा, ये हमारे स्टूडेंट का नाम, उसका रोल नंबर, मैथ के मार्क्स, फिजिक्स के मार्क्स सब हमको प्रिंट करके दे देगा, और एक एंड में हमें टोटल प्रिंट करके देगा, जो भी हमारा टोटल होगा उसका, इन 3 मार्क्स का आउट ऑफ 100। उसके लिए हम एक अलग फंक्शन क्रिएट करेंगे जो भी हमारा रिटर्न यूज़ करेगा। सो सबसे पहले हम लोग करते हैं प्रिंट, स्टूडेंट नेम इक्वल्स टू प्लस सेल्फ डॉट स्टूडेंट नेम, सॉरी, कंट्रोल सी, स्टूडेंट रोल नंबर, मैथ्स मार्क्स, फिजिक्स मार्क्स और केमिस्ट्री मार्क्स, स्टूडेंट रोल नंबर, मैथ
मैथ्स नंबर, फिजिक्स नंबर और एट लास्ट हमारा हो गया केमिस्ट्री नंबर। केमिस्ट्री नंबर इसको उठा देते हैं और फिर कर लेते हैं। स्टूडेंट रोल नंबर सेल्फ ऑफ मैथ कॉपी करते हैं और पेस्ट। सेल्फ ऑफ फिजिक्स इट्सेल्फ। ओके, तो एक बार हम लोग इसी को प्रिंट करके देखते हैं। मैं को ऑब्जेक्ट बनाते हैं अपने ही नाम का, पुलकित इक्वल्स टू। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं हम लोग, हमने जैसे पुरानी वीडियो में देखा था क्लास में ऑब्जेक्ट में हम लोग कैसे क्लास क्रिएट करेंगे, कैसे ऑब्जेक्ट। तो अगर आपको नहीं पता आप लोग जाके चेक कर लेना। और कंस्ट्रक्टर हम लोग पास कर रहे हैं इसमें पुलकित सैनी। अभी लगता हमारा रोल नंबर, तो रोल नंबर हम लोग करेंगे 17012018। ये मेरा यूनिवर्सिटी रोल नंबर है। मैथ की मार्क्स 48, इसकी मार्क्स 65। ओके, अब मैं क्या करना है, मैं खुद के डॉट आउटपुट, तो फाइल को सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पे क्लास के नाम से, क्लास डॉट पी वाई, रन करते हैं। तो आप लोग देखिए इसने मेरा सब कुछ भी, मेरा नाम प्रिंट कर दिया है, मेरे मैथ्स के मार्क्स, फिजिक्स के मार्क्स और सब मार्क्स प्रिंट कर दिए। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें एक फंक्शन और बनाता हूँ जो मेरे को टोटल करके देता है। सो डेफ टोटल सेल्फ टोटल इक्वल्स टू और हम लोग कर देते हैं रिटर्न टोटल। सो देखिए रिटर्न टोटल क्या मतलब है, अब मेरे को जो टोटल की वैल्यू है वो मेरे को इस प्रिंट में यूज़ करनी है। लाइक अगर मैं इसको यहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं अब हर बार तो यहाँ पे नहीं लिख सकता, मेरे को पूरे प्रिंट में कई बार यूज़ करना है, मैं हर बार तो नहीं करूँगा ना कि लाइक सेल्फ डॉट मैथ प्लस सेल्फ डॉट मैथ। तो मैं क्या करूँगा, एक यहाँ पे टोटल नंबर प्लस प्लस किस उसकी टोटल की स्पेलिंग गलती, छोटा सा नंबर ओके सॉरी। हम लोग क्लास के अंदर कभी भी क्लास के अंदर अगर फंक्शन कॉल करते हैं तो उसमें सेल्फ डॉट के नाम से यूज़ करेंगे। str ऑब्जेक्ट मस्ट बी स्ट्रिंग। सो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं int int int, क्योंकि जो हमने वैल्यू आप दे रखी है हमने स्ट्रिंग में दे रखी है, हम काफ़ी इंटीजर में लेनी है। और इस टोटल को हम लोग कर देते हैं मस्ट बी स्ट्रिंग नॉट मेथड। सो मैं यहाँ पे फंक्शन का साइन लगाना भूल गया थोड़ा, तो
अब लोग देख सकते हैं आप ये मारा हो गया टोटल नंबर, हम लोग थोड़ा स्पेसिंग दे देते हैं टोटल नंबर, इसने तीनों के टोटल करके दे दिए, तो इसलिए हम लोग ने रिटर्न करा। अब हम क्या करते हैं इसको यहाँ से कट करके एक अलग प्रिंट फंक्शन क्रिएट करते हैं, प्रिंट टोटल नंबर इक्वल्स टू प्लस सेल्फ डॉट टोटल प्लस 300। रन करते हैं मेन ऑब्जेक्ट मेथड, आप लोग देख सकते हैं इसमें यहाँ पे आ गया है। अब थोड़ी सी इसकी हम लोग फॉर्मेटिंग करके और ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, लाइक अभी तो सिर्फ मेरा दिखा रहा था, अब ये हम एक ऑब्जेक्ट और क्रिएट करते हैं निखिल नाम का, निखिल इक्वल्स टू नेम, हम लोग वैल्यू देते हैं निखिल सैनी, और जो रोल नंबर पास करते हैं हम इसमें 17012000014, हम लोग नंबर देते हैं उसके देते लाइक 55 45 और अगेन 12 एक ऑब्जेक्ट और क्रिएट करते हैं अमन नाम का, AM अमन, इसमें आप अमन का नाम देते हैं अमन सैनी, 15 मार्क्स चेंज कर देते हैं 55 32 52। अब करते हैं इनका ऑब्जेक्ट कॉल करते हैं, जो हमारा मेन आउटपुट है निखिल डॉट आउटपुट अमन डॉट आउटपुट, रन करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं इसमें हमारा हो गया है हमारा स्टूडेंट नेम भी हो गया, स्टूडेंट रोल नंबर हो गया, पुलकित का लगा के, निखिल का अलग आ गया, अमन का अलग आ गया, इन सब का हमारा अलग अलग आ गया है। सो आई होप अगर आपको समझ में आ गया क्लास में मुझे क्या होते हैं, और अगर आपको कोड चाहिए पूरा तो ये मैं अपने ब्लॉग पर कोड डाल दूंगा, पूरा आप लोग वहाँ से जाके चेक कर लेना, और पेज को फेसबुक पेज को जरूर लाइक कर देना, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से जाके चेक कर लेना। सो बस इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं मिलूंगा आपसे जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे, सी यू सून।